गाइस, आज की स्टडी में आपको इंडिया की टॉप 3 खतरनाक स्किन वाइटनिंग क्रीम बताने वाला हूँ। अगर आप उन क्रीम को इसमें लेते हो और अपने चेहरे को गोरा करने के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए, तो गाइस उन क्रीम से ना आपकी स्किन परमानेंट के लिए ख़राब हो सकती है, आपकी स्किन ना पूरी तरीके से डैमेज हो सकती है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके प्लीज़ एंड तक देखिए। तो गाइस यहाँ पे नंबर 1 क्रीम का नाम है स्किन लाइट क्रीम। गाइस ये जो क्रीम ना इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है स्किन वाइटनिंग के लिए, चेहरे को गोरा करने के लिए। लेकिन यार काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है कि ये जो क्रीम ना एक प्रकार की फंगल इन्फेक्शन वाली क्रीम है। अगर आपके चेहरे पर डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम होती है, आपके स्किन पर किसी भी तरह की एलर्जी होती है ना, उस प्रॉब्लम के लिए इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। बट गाइस काफ़ी सारे लोगों ने इस क्रीम को स्किन वाइटनिंग के लिए यूज़ में ले रहे हैं। और गाइस ये जो क्रीम आपको डॉक्टर की सलाह से यूज़ करनी पड़ती है। आपको डॉक्टर बोलते हैं कि इस क्रीम को 1 मंथ तक यूज़ कीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाएगी। बट काफ़ी सारे लोग ये गलती करते हैं कि इस क्रीम को मेडिकल से ले लेते और अपने चेहरे को अप्लाई करते हैं, फिर गाइस उनकी स्किन ना इस क्रीम से पतली हो जाती है, क्योंकि इस क्रीम में हाइड्रोक्विनोन होता है जो कि आपके चेहरे को पतला कर देता है। अगर आप धूप में जाते हो, बाहर जाते हो, तो गाइस आपकी स्किन के ऊपर ना रेडनेस होने लगती है। अगर आप भी इस क्रीम को इसमें ले रहे हो अपने चेहरे को गोरा करने के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए, तो आपको इस क्रीम को बिल्कुल स्टॉप करना चाहिए। तो गाइस अब बात करते हैं सेकंड क्रीम के बारे में, जो कि स्किन शाइन क्रीम। गाइस ए भी क्रीम ना सेम है, इसमें भी जो स्किन लाइट क्रीम में इंग्रेडिएंट डाले ना वैसे इसी क्रीम में डाले, जैसे कि हाइड्रोक्विनोन हो गया, मोमेटासोन हो गया, जो कि आपके स्किन को पतला करता है। अगर आप भी इस क्रीम को यूज़ में लेते हो स्किन शाइन को, तो गाइस इससे भी आपकी स्किन पूरी तरीके से डैमेज हो सकती है। तो गाइस अब बात करते हैं थर्ड क्रीम के बारे में, जो कि नो स्कार्स क्रीम। गाइस ए भी क्रीम ना एक प्रकार की स्टेरॉइड वाली क्रीम है, जो कि आपके स्किन के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। अगर आप भी इस क्रीम को इसमें लेते हो ना अपने चेहरे को गोरा करने के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए, तो बिल्कुल यूज़ ना करें। गाइस इस क्रीम में भी ना हाइड्रोक्विनोन का यूज़ में लिया गया है, जो कि आपके स्किन के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। गाइस आपको अगर किसी भी क्रीम में हाइड्रोक्विनोन इंग्रेडिएंट दिखता है ना, तो गाइस आप उन क्रीम को बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट है गाइस आपके स्किन के लिए बिल्कुल सेफ नहीं होता है। एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है, जो कि आपकी स्किन को पतला करता है, आपके स्किन को डैमेज कर देता है। तो गाइस अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सी क्रीम आपके चेहरे को गोरा करती है और कौन सी नहीं, तो गाइस मैंने काफ़ी सारे स्किन वाइटनिंग क्रीम के वीडियोस बना रखे हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। गाइस अगर आप अपने चेहरे को गोरा करना चाहते हो ना, तो आप आवकड़ा एक्स्ट्रा वाइटनिंग क्रीम की यूज़ में लीजिए। गाइस ये जो क्रीम ना पूरी तरह से हर्बल कैटेगरी में आती है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है। अगर आप इसको लगा के धूप में भी जाते हो ना, तो ना ही आपके चेहरे के ऊपर रेडनेस होगी, ना ही आपके चेहरे के ऊपर किसी भी तरह का रिएक्शन होगा, तो ये काफ़ी सही है। अगर आप इस क्रीम को ऑनलाइन बाय करना चाहते हो, तो मैंने स्क्रीन के ऊपर नंबर दे रखा है। वैसे आप इस क्रीम को 100% ओरिजिनल बाय कर सकते हो, ठीक है। और आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है तीनों क्रीम के बारे में, नीचे कमेंट कर देना। तो बस आज के शोडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिए, वो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, ओके बाय।